यील्ड कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैंने एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किया है बेस्ड अपॉन द रिक्यूपरेशन टेस्ट। इस वीडियो में भी हम एक दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करेंगे विच इज़ बेस्ड अपॉन द रिक्यूपरेशन टेस्ट। तो अल्टीमेटली इसमें हमको करना क्या है, यील्ड निकालना है इस मैथड के द्वारा। तो मैं इसमें पढ़ती हूँ न्यूमेरिकल को, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। During a recuperation test, the water level in an open well was depressed by pumping by 2.5 meter and is recuperated by an amount of 1.6 meter in 70 minutes. इसको मैं बता देती हूँ डायग्राम से, फर्स्ट लाइन का मीनिंग क्या है। देखिए हमारे पास क्या है, ओपन वेल है। कौन सा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, रिक्यूपरेशन का। अब इसमें बोला जा रहा है कि हमने पंपिंग किया तो जो लेवल था 2.5 मीटर था, डैट मीन्स इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं ये ओपन वेल का टॉप है, यहाँ से हमको डिस्चार्ज क्यों मिल रहा है। फर्स्ट लाइन इज ग्राउंड लेवल, सेकंड लाइन इज वाटर टेबल। अब जो H1 है, H1 क्या है, वाटर टेबल से लेके नीचे तक का वाटर लेवल का एलिवेशन डिफरेंस है। तो ये ही बने 2.5 मीटर। जब हमने पंपिंग किया तो फाइनली कहाँ था ये वाटर लेवल, वाटर टेबल से 2.5 मीटर नीचे था। उसके बाद हमने छोड़ दिया उसको रिक्यूपरेट होने के लिए, तो रिक्यूपरेटेड बाय एन अमाउंट ऑफ 1.6 मीटर। तो ये रिक्यूपरेट हुआ 1.6 मीटर, यानी इतना जो वाटर लेवल नीचे पहुंच गया था तो वापस वाटर लेवल ऊपर गया 1.6 मीटर। इसमें जो टाइम लगा टी इज इक्वल टू गिवन एज 70 मिनट्स। 70 मिनट्स में जो वाटर लेवल है 2.5 था जो नीचे, वो ऊपर आके 1.6 हो गया। डैट मीन्स H2 कितना होगा, वाटर टेबल से हम H2 फाइंड करेंगे, तो H2 इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1.6। ये हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ मैं लिखती हूँ H1 इज गिवन एज 2.5 मीटर एंड H2 इज कैलकुलेटेड एज 2.5 माइनस 1.6 इज इक्वल टू 0.9 मीटर। H2 डायरेक्टली गिवन नहीं है, ड्रॉडाउन डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनिशियल पोजिशन की गिवन है 2.5 मीटर, लेकिन फाइनल कितना होगा ये हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। डायग्राम से क्लियर है 2.5 था इनिशियली, 1.6 ही ऊपर हो गया, पानी वापस भरा इसमें पंप बंद करने के बाद। तो बच्चा कितना, जो बच्चा है वो फाइनल लेवल का एलिवेशन होगा, डेप्थ होगा यहाँ से वाटर टेबल से, तो 2.5 माइनस 1.6 मीटर में 0.9 मीटर फ्रॉम द वाटर टेबल, ये H2 आ गया। तो फर्स्ट लाइन से हमने ये डेटा चेकआउट कर लिया। अब उसके बाद हमको कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन नंबर 1 द यील्ड फ्रॉम अ वेल ऑफ 3 मीटर डायमीटर अंडर अ डिप्रेशन हेड ऑफ 3.5 मीटर। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले हम फॉर्मूला देखते हैं यील्ड निकालने के लिए। हमें पता है कि KS इज इक्वल टू K/A स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट एरिया ऑफ द ओपन वेल, दिस इज इक्वल टू 2.3/ टाइम ऑफ रिक्यूपरेशन P इंटू लॉग बेस 10 H1/H2। ये H1/H2 यही है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड T इज गिवन एज 70 मिनट्स। इस फॉर्मूले में T की वैल्यू हमको आवर्स में रखना है, हम मिनट में नहीं रख सकते, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। 70/60 इज इक्वल टू 1.167 आवर्स। ये आ गया T का वैल्यू, H1/H2 गिवन है, तो इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, KS निकाल लेंगे। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं KS, दिस इज इक्वल टू K/A इज इक्वल टू 2.3/T, मैं लिखूंगी 1.167 लॉग ऑफ बेस 10 H1/H2, तो H1 इज 2.5 एंड H2 इज 0.9 मीटर्स। उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यह आएगा 2.3 1.167 लॉग बेस 10 2.78। उसको मैंने डिवाइड किया तो आई 2.78। अब इसका लॉग ले लेंगे हम, तो 2.3/1.167 इंटू
लॉग लिया हमने 2.78 का, तो आ जाएगा 0.44। लॉग टेबल से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं इसको। तो दिस इज इक्वल टू, इसको अगेन हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.867। यूनिट ऑफ के एस इज पर आवर, मतलब आवर टू द पावर माइनस वन। तो हमने के एस फाइंड कर लिया। अब अल्टीमेटली हमको निकालना क्या है, यील्ड निकालना है। यील्ड के लिए के एस मस्ट है, इसलिए हम सबसे पहले के एस फाइंड किए हैं। अब आते हैं हम नंबर वन पे। यहाँ पे गिवन है डायमीटर डी 3 मीटर्स, डायमीटर ऑफ ओपन वेल, मतलब ये वाला डायमेंशन दिया है डी, ये लिख लिया मैंने। अंडर अ डिप्रेशन हेड, मतलब कैपिटल एच इज ऑल्सो गिवन, 3.5 मीटर्स। ठीक, तो अब डी दिया है, डेट मीन्स हम एरिया फाइंड करेंगे इससे। एरिया इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर, पाई बाई फोर 3 स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7.065 मीटर स्क्वायर। एरिया कैलकुलेट कर लिया हमने ओपन वेल का। अब हमको क्या करना है, यील्ड फाइंड करना है क्यू। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू के एस इंटू ए इंटू एच। के एस क्या है, हमने कैलकुलेट किया 0.867। एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया 7.065 एंड एच इज गिवन एज 3.5 मीटर्स। इसको आप करेंगे कैलकुलेट तो यह आएगा 21.44 मीटर क्यूब पर आवर। अगर आप इसको लीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट कर लीजिए 21.44। मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1000 लीटर मैंने 1 मीटर क्यूब की जगह पे रखा। फिर उसके बाद आवर्स हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर आएगा 5.95 लीटर्स पर सेकंड। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, द यील्ड फ्रॉम वेल ऑफ 3 मीटर डायमीटर अंडर अ डिप्रेशन हेड ऑफ 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर के करस्पॉन्डिंग हमने यील्ड फाइंड कर ली, हमारा है फर्स्ट आंसर। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। द डायमीटर ऑफ ए वेल टू यील्ड 10 लीटर पर सेकंड अंडर अ डिप्रेशन हेड ऑफ 2.5 मीटर। अब इसमें डायमीटर हमको फाइंड करना है, डायमीटर गिवन नहीं है बल्कि इसमें यील्ड गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्यू कितना दिया हुआ है, 10 लीटर्स पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है, एच, एच इज इक्वल टू 2.5 मीटर। अब हम क्यू को निकाल लेते हैं मीटर क्यूब पर आवर के फॉर्म में, ये फॉर्मूले में वैसे ही पुट होना है। तो 10 × 60 × 60 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब पर आवर में, दिस इज इक्वल टू 36 मीटर क्यूब पर आवर। तो क्यू की वैल्यू आ गई हमारी इन मीटर क्यूब पर आवर। अब इसके बाद हमको मालूम है फॉर्मूला यील्ड का, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, के एस इंटू ए इंटू एच, ये हम देख चुके हैं पहले भी। तो Q इस क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, Q इज 10 लीटर पर सेकंड, 10 लीटर पर सेकंड है, दैट मीन 36 है। हम Q की जगह क्या लिखेंगे, 36 इज इक्वल टू के एस, के एस हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 0.867। डायमीटर नहीं मालूम इसलिए एरिया नहीं मालूम है, वही हमको कैलकुलेट करना है। और एच गिवन है 2.5 मीटर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 36 upon 0.867 × 2.5, यह आ जाएगा 16.61 मीटर स्क्वायर। अब एरिया मालूम है तो डायमीटर आसानी से निकाला जा सकता है, बिकॉज एरिया ऑफ सर्कल इज पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/π, तो डी इज इक्वल टू √4a/π, यही हमको निकालना है। तो हम कर लेते हैं डी इज इक्वल टू √4 × ए हमने कैलकुलेट किया 16.61 / π। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.6 मीटर, मीन्स डायमीटर ऑफ द वेल
इज इक्वल टू 4.6 मीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है डायमीटर आपको फाइंड करना है, अगर यील्ड गिवन है 10 लीटर पर सेकेंड और डिप्रेशन हेड है 2.5 मीटर। तो दोनों पोर्शन हमने इसमें सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। फर्स्ट में हमको यील्ड कैलकुलेट करना था, मीन्स डिस्चार्ज निकालना था। सेकेंड में हमको डायमीटर निकालना था। इसमें डायमीटर गिवन नहीं था बट यील्ड गिवन था, तो यील्ड और डिप्रेशन हेड के बेस पे हमने इसमें से डायमीटर ऑफ द वेल फाइंड किया। तो ये न्यूमेरिकल है बेस्ड अपॉन द रिक्यूपरेशन टेस्ट ऑफ द ओपन वेल। सिंपल है मैथड, आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है।